वेलकम टू नव क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड। ये बिल्कुल स्टार्टिंग से हम डिस्कस कर रहे हैं कि रिसर्च होती क्या है। तो आज एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हम समझेंगे कि रिसर्च बेसिकली होती क्या है और हम इसको करते क्यों हैं, इसका एम क्या है, पर्पस क्या है रिसर्च को करने का। ठीक है, तो फर्स्टली अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड उसके साथ एक बेल है उसे जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही न्यू लेक्चर अपलोड हो। ठीक है, तो रिसर्च होता क्या है, व्हाट इज रिसर्च। रिसर्च होता है किसी भी फैक्ट को जानने की कोशिश, किसी भी फैक्ट के बारे में अगर हम सर्च कर रहे हैं। देखो इस वर्ड को हम समझते हैं पहले कि रिसर्च, इसको अगर हम स्प्लिट करें तो ये बनता है री से और सर्च से। इसका मतलब किसी भी चीज़ के बारे में ऑलरेडी पहले सर्च हो चुकी है, वो इन्वेंट हो चुकी है, आपको दोबारा न्यू इन्वेंशन नहीं करनी, लेकिन उसी के थ्रू आपको रिसर्च करनी है कि उस फैक्ट के अंदर कुछ ऐसा नया मिल जाए, कुछ डिफरेंट मिल जाए कि उससे सोसाइटी का और सबका बेनिफिट हो। ठीक है, तो रिसर्च होता है ये, टू सर्च फॉर फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। किसी भी नॉलेज की ब्रांच में आपको बस कुछ फैक्ट्स खोजने हैं, कुछ डिफरेंट देखना है, सर्च करना है। ठीक है, एंड एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी, ये एक इंक्वायर करने का एक तरीका है। एंड अटेम्प्ट टू एलिसिट द फैक्ट, फैक्ट को एलिसिट करना मतलब किसी भी ऐसे छुपे हुए फैक्ट को खोजना, उस पर प्रकाश डालना, उसको एलिसिट करना, निकालना, उभारना, जो कि अभी तक दबा हुआ था, अभी तक उसको अंदर उस तक कोई पहुंचा ही नहीं था। ठीक है, अ सिस्टमैटिक एंड स्कॉलरी एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मैथड, ये एक सिस्टमैटिक है और स्कॉलरी एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मैथड। हम एक साइंटिफिकली, साइंटिफिक नज़रिए से किसी भी फैक्ट को सर्च करते हैं, खोजते हैं और उसमें कुछ अनोखा ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ ऑलरेडी बन चुका है उसमें हम देख रहे हैं कि क्या ऐसी छुपी हुई चीज़ थी जो कि डिफरेंट कर सकती है, क्या ऐसी छुपी हुई चीज़ थी जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था, और क्या उसमें ऐसा कुछ था जो कि मिरेकल कर सकता है, कुछ डिफरेंट था और जो हमें अभी तक पता नहीं था, अनटैप्ड जिसको बोलते हैं, वो हिडन फैक्ट्स। अ स्टेट ऑफ माइंड, पर्पस क्या है, रिसर्च करते क्यों हैं, टू डिस्कवर आंसर्स टू क्वेश्चंस थ्रू एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर्स। साइंटिफिक प्रोसीजर्स के थ्रू हम आंसर्स को खोजने की कोशिश करते हैं, हम आंसर्स को डिस्कवर करते हैं। जो भी अलग अलग क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, मान लो किसी चीज़ पे ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, ठीक है, एक मेडिसिन बन चुकी है किसी फीवर की, लेकिन एक अलग तरीके का फीवर अब निकल के आ गया है। हमें पता है ये खोज हो चुकी है कि एक फीवर होता है और उसके लिए मेडिसिन चाहिए, लेकिन एक स्पेशल टाइप का फीवर आ गया है जिसके लिए स्पेशल टाइप की मेडिसिन चाहिए। हो सकता है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो लेकिन हमें पता नहीं है, छुपी हुई है वो अभी तक। तो उस क्वेश्चन एक नया अराइज हो गया है आपके सामने कि हाँ आपको अब कुछ करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको डिस्कवर करना पड़ेगा उसका आंसर और रिसर्च की जाएगी उसके ऊपर, रिसर्च की जाएगी साइंटिफिकली। तो ये एक तरीका मैंने एग्जाम्पल दिया है कि क्या होता है बेसिकली, ये करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं रिसर्च के। ये एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं। ग्राउंडेड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ग्राउंडेड थ्योरी, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू हो जाता है और बहुत लंबा है वो प्रोसीजर ग्राउंडेड थ्योरी। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी होती है, जो ऑलरेडी हम अपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते हैं तो उसमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मोस्टली यूज़ की जाती है। ग्राउंडेड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, इसके अंदर बहुत सारी थ्योरीज बनी हुई हैं जिनको एक बार पकड़ लो और उसके ऊपर चलते रहो तो रिसर्च हो जाती है। ठीक है, रिसर्च का मतलब क्या है, टू सर्च अगेन, हम अभी समझ चुके हैं रिसर्च, दोबारा से सर्च करना। इट कनोट्स पेशेंट स्टडी एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, हम इसको बोलते हैं ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और पेशेंट स्टडी है। आपको पेशेंस रख के अपनी स्टडी करनी है, ये नहीं है कि आपने आज रिसर्च स्टार्ट की कल आपको आंसर्स चाहिए, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये पेशेंस रखने वाली चीज़ है जिसको अगर आप करोगे तो आपको पेशेंटली चलना होगा। इट डेवलप्स कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज, इसमें हम कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं और थ्योरी बनाते हैं। ओके, सो वन रीज़न टू कंडक्ट इन रिसर्च इज़ टू डेवलप इवेल्यूएट द कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज, कुछ कंसेप्ट्स को डेवलप करना, उनको इवेल्यूएट करना, निखारना और थ्योरीज को बनाना। ये एक्सपेंड करती है लिमिट ऑफ नॉलेज, आज तक हमें ये चीज़ पता थी बस एक सर्च हुई हुई है लेकिन उसकी लिमिट इधर तक ही थी। अगर हम उस रिसर्च को एक्सपेंड करेंगे तो क्या हुआ, हमने
अपनी जो नॉलेज थी, एक नॉलेज थी उसके लिमिट को एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। इट इज़ कंडक्टेड टू वेरीफाई द एक्सेप्टेबिलिटी, वो जो हमने रिसर्च की है वो एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए। ऑफ गिवन थ्योरी टू नो मोर अबाउट सर्टेन कॉन्सेप्ट्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें पता है उसके बारे में हम और जानना चाहते हैं, इसलिए हम अपनी थ्योरी को और डेवलप करना चाहते हैं और हम लिमिटलेस एफर्ट्स लगा रहे हैं उसको करने के लिए और अपनी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके लिमिट्स को एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। इट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इमीजिएटली तो इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती। इट डज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व द सिचुएशन टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। Its finding generally cannot be implemented immediately. It is an essential tool for good decision making. अगर हमें किसी भी चीज़ के decision पे आना है, अच्छे decision making करनी है, तो ये बहुत important हो जाता है कि उसके लिए पहले research की जाए। For example, अगर हम किसी firm का ही ले लें तो वो एक proper research and development process से गुजरती है किसी product को develop करने से पहले। ऐसे ही हम क्या इस इधर बात कौन सी कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिसर्च की, जो कि हमारा कंसेप्ट हम क्रिएट करते हैं, थ्योरी क्रिएट करते हैं, जैसे कि टीचिंग रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च की बात कर रहे हैं मेनली। तो इसकी ये भी कोई भी डिसीजन पे आने से पहले उसके लिए एक प्रॉपर रिसर्च की जाए तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए रिसर्च बहुत एसेंशियल टूल है। एजुकेशनल रिसर्च एक मैनेजीरियल टूल है जो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अच्छे डिसीजन मेकिंग के लिए। रिसर्च जो की जाती है टीचिंग में, ट्रेनिंग प्रोसेस में, ऑर्गेनाइजिंग में, मैनेजिंग एरियाज में, मैनेजमेंट एरियाज में किसी भी इंस्टीट्यूशन के, वो ट्रेनिंग रिसर्च के अंतर्गत आती है। वो किसके, उसका स्कोप कहाँ है, ट्रेनिंग रिसर्च में आता है वो स्कोप। एजुकेशनल रिसर्च जो है वो रिड्यूस करती है रिस्क ऑफ मेकिंग रॉन्ग डिसीजंस, गलत डिसीजन हम ना कर दें उसका रिस्क और रिड्यूस हो जाता है वहाँ से। इट इज़ एन एड टू मैनेजमेंट जजमेंट, नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर इट। ये मैनेजमेंट जजमेंट के साथ ज़रूरी है, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर मैनेजमेंट जजमेंट भी है यहाँ पर तो उसके बदले में रिसर्च नहीं की जाती। मैनेजमेंट जजमेंट भी ज़रूरी है और उसके साथ साथ रिसर्च भी ज़रूरी है। एम क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं रिसर्च करने के? मेन एम है कि हम ट्रुथ जानना चाहते हैं, असलियत जानना चाहते हैं, जो फैक्ट्स छुपे हुए हैं उनको निखारना चाहते हैं। टू फाइंड आउट द ट्रुथ विच इज़ हिडन एंड विच इज़ नॉट बीन डिस्कवर्ड येट, जो कि अभी तक हमने खोजी ही नहीं है, किसी और ने खोजी नहीं है। ऑलरेडी एक पर्टिकुलर एरिया हमें पता है कि एरिया है, लेकिन उसके अंदर हम वो वाले फैक्ट्स निकालना चाहते हैं जो छुपे हुए हैं और जो जिनको कोई और नहीं ढूंढ सका आज तक। दो ईच रिसर्च स्टडी हैज इट्स ओन स्पेसिफिक पर्पस, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स मे फॉल इनटू नंबर ऑफ फॉलोइंग ब्रॉड ग्रुपिंग्स। अब देखो वो क्या क्या ग्रुप्स हैं। एक्सप्लोरेटली और फॉर्मुलेटिंग रिसर्च स्टडीज कौन सी होती है? टू गेन फैमिलैरिटी विद अ फिनोमिना और टू अचीव न्यू इंसाइट इनटू इट। किसी भी फिनोमिना के साथ हमें जागरूकता हो उसके बारे में और उसके बारे में कुछ नई चीज़ें मिले तो उसको बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिंग रिसर्च स्टडीज़, कि हम रिसर्च की स्टडीज़ को अभी फॉर्मुलेट कर रहे हैं, कुछ भी नया उसमें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज़ कौन सी होती है? टू पोर्ट्रे एक्यूरेटली द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन और ग्रुप। डिस्क्रिप्टिव में क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या सिचुएशन के बारे में या फिर ग्रुप के बारे में हम एक्यूरेटली उसके फीचर्स को जानना चाहते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऑलरेडी मेरे 3 रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बेसिस पे ही थे। नॉर्मली आप भी रिसर्च पेपर्स अगर पब्लिश कराते हो तो इनिशियली आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ही करोगे, उसके बाद ही आप बड़े लेवल की रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। टू डिटरमिन द फ्रिक्वेंसी विद विच समथिंग अकर्स, आपको जानना होता है कि किससे कुछ हो रहा है और विद विच इट इज एसोसिएटेड विद समथिंग एल्स। इसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च में हम जानना चाहते हैं कि पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी हुई क्यों, कुछ ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों अक्कर हुआ कुछ, तो हम यहाँ पे कुछ जानना चाहते हैं, इसलिए डिटरमिन करना चाहते हैं कुछ, तो इसलिए इसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च। हाइपोथेसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, कुछ भी वेरिएबल्स है उसमें कैसा रिलेशन है उसके लिए हम उसके लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज।
मेन टॉपिक है कि रिसर्च हम आप कर रहे हो तो हम क्यों डिसाइड करते हैं कि मुझे एक पर्टिकुलर टॉपिक पे या पर्टिकुलर सिचुएशन पे या फिर पर्टिकुलर फैक्ट पे रिसर्च करना है. पॉसिबल मोटिव्स क्या हो सकते हैं किसी के, ये हो सकते हैं कि आप में डिज़ायर जागी कि आपको रिसर्च डिग्री लेनी है, आपको पीएचडी करनी है, इसलिए आप रिसर्च करना चाहते हो, आपको करनी पड़ेगी उस केस में. तो डिज़ायर टू गेट रिसर्च डिग्री अलोंग विद इट्स कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स. ऑफकोर्स अगर आप रिसर्च डिग्री लेना चाहते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स भी होने चाहिए. ये बेनिफिट्स किसके लिए, आपके पर्सनल नहीं, आपके लिए भी, आपके इंस्टीट्यूशन के लिए जिसके लिए आप ये रिसर्च डिग्री ले रहे हो, और सोसाइटी के लिए, क्योंकि कोई भी रिसर्च करेगा तो उसका बेनिफिट आपको भी होगा, इंस्टीट्यूशन को भी होगा और सोसाइटी को भी होगा. टू फेस चैलेंज इन सॉल्विंग अनसॉल्व प्रॉब्लम्स, हम यहाँ पे हिडन फैक्ट्स को ढूंढ रहे हैं, तो इसलिए अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के अंदर जो भी चैलेंज आ रहे हैं हम उनको फेस करना चाहते हैं. तो उनको फेस करने का अगर जुनून जागा है तो इसलिए हमने रिसर्च करनी चाहिए एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, इसलिए हम रिसर्च करते हैं. टू गेट इंटेलेक्चुअल जॉय ऑफ डूइंग सम क्रिएटिव वर्क, कुछ क्रिएटिव वर्क करने के लिए हमें एक अच्छा अंदरूनी खुशी मिल रही है, इंटेलेक्चुअल जॉय मिल रहा है, ठीक है. टू एक्ट एज सर्विस टू सोसाइटी, अब रिसर्च हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं करते, हमारी जो सोसाइटी है उसको भी बेनिफिट होता है, उनको भी सर्विस मिलती है, तो इसलिए रिसर्च की जाती है. अगर एक पर्सन, फॉर एग्जांपल मैंने अभी दिया कि अगर कोई मेडिसिन को अंदर इनोवेशन करता है और उससे कोई ऐसी मेडिसिन बन जाती है जिससे उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल सकता है जो अभी तक नहीं निकला था, उन डिसीजेस का सॉल्यूशन निकल सकता है जो अभी तक नहीं निकला था, तो इससे क्या हुआ, आपने रिसर्च की, आपको बेनिफिट हुआ, आपके इंस्टीट्यूशन को बेनिफिट हुआ कि उनका नाम रोशन हो रहा है आपकी वजह से, और इससे सोसाइटी का भला हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, सोसाइटी को भी सर्विस प्रोवाइड हो रही है. तो एक्ट एज सर्विस टू सोसाइटी. टू गेट रिस्पेक्टेबिलिटी, ऑफकोर्स इफ वन इज innovating something, if one is doing something to society, then that person will definitely get the respect. तो respect भी ज़रूर मिलेगी. आज का thought of the day, tip to remember forever. हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि अपनी रिसर्च को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह समझो, उसको nurture करो और बढ़ाओ. क्या होता है कि कुछ researchers fraudulently अपनी रिसर्च को करते हैं, रिसर्चर्स अपनी रिसर्च में पूरा पर अपना बेस्ट नहीं देते, वो अपने दिमाग में जो होता है वो ही उस रिसर्च में लिख देते हैं, जो कि रिसर्च एथिक्स के खिलाफ है, ठीक है. हमें जैसे अगर हमारा खुद का चाइल्ड हो उसको हम अपब्रिंग करेंगे, उसको हम गलत शिक्षा नहीं देना चाहेंगे, उसको हम गलत जगह पे नहीं जाने देंगे, वैसे ही हमें अपनी रिसर्च को अपना चाइल्ड समझना चाहिए और उसको ऐसे अपब्रिंग करना चाहिए, अपनी रिसर्च को ऐसे करना चाहिए कि हमारी रिसर्च गलत जगह पर ना जाए और बिल्कुल सही तरीके से हमारी रिसर्च फॉलो हो और हमारी रिसर्च बिल्कुल एथिकली नॉर्म्स पे चले. इट मीन्स जो सही है वही सही है, आप अपना माइंड बीच में नहीं लगा रहे, उसमें बिल्कुल भी अपना अपनी तरफ से कोई इनोवेशंस नहीं कर रहे, आप वही कर रहे हो जो आपने प्रॉपर रिसर्च करके उसमें फैक्ट्स को समझा है, ठीक है. तो इसलिए थॉट ऑफ द डे है, अगर कोई भी क्वेश्चन भी आ जाए एग्जाम में तो उसको ऐसे ही समझना है जैसे कि वो आपका चाइल्ड है और उसको आप सही दिशा में लेके जाना चाहते हो, बिल्कुल सही वे में आपको लेके जाना है उसको. होपफुली आज आपको रिसर्च का बेसिक समझ में आ गए होंगे कि रिसर्च होती क्या है, क्यों करते हैं, उसका एम क्या है. नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि क्या होते हैं रिसर्च के टाइप्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स, और उसके स्टेप्स, रिसर्च करने के कौन कौन से स्टेप्स हैं. अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप ले सकते हो यहाँ से, मेरे ब्लॉग से, navclasses.blogspot.in से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. नव क्लासेस देखते रहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, एंड लाइक इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक एक्सेट्रा पे. थैंक यू.